नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक पर बोले हैं सीएम भूपेश बघेल। कहा है डबल इंजन की सरकार थी, अब ट्रिपल इंजन हो गया है, सरकार नहीं ऑटो रिक्शा हो गया है सीएम भूपेश बघेल का कहना। शपथ ग्रहण में सीएम शिंदे का चेहरा उतरा हुआ था। सीएम ये कह रहे हैं आज की घटना आने वाले घटनाक्रम का संकेत दे रही है। शरद पवार जी ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं हैं, आगे और भी राजनीतिक उठापटक देखने को मिलेगी, इस प्रकार की घटना जनता पसंद नहीं करती, आने वाले समय में इसका असर दिखाई देगा। सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं लगातार उठापटक चल रही है, पिछले समय शिवसेना को तोड़ा गया था, अभी एनसीपी को तोड़ा गया है। महाराष्ट्र में लगातार उठापटक चल रहा है, पिछले समय शिवसेना को तोड़ा गया और अभी एनसीपी। पहले डबल इंजन की सरकार थी, अब वो ट्रिपल इंजन हो गया। ट्रिपल इंजन नहीं हो गया, सरकार नहीं हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, इस प्रकार के जो घटनाक्रम है वो आम जनता पसंद नहीं करती। मैंने देखा कि शपथ ग्रहण में फडणवीस जी और पवार जी दोनों एक तरफ बैठे मुस्कुरा रहे हैं, तो राज्यपाल के दूसरे तरफ शिंदे जी बैठे हैं मुख्यमंत्री, चेहरा उतरा हुआ है। तो ये आज की जो घटना है आने वाले और घटनाक्रम के संकेत दे रहा है, मतलब अभी बहुत कुछ और बदलाव होगा। और शरद पवार जी ने अभी पत्ते अपने खोले नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर पर पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद और ऊंचा हुआ है, देश से लेकर विदेश तक हर कोई उनसे जुड़ना चाहता है। महिलाएं बच्चे, देखिए मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व और पूरा देश उनके ऊपर में विश्वास कर रहा है। नौजवान, महिलाएं, बच्चे सबके लिए मोदी जी ने 9 साल में जो काम किया है इसके लिए, इसके कारण उनका सम्मान और उनका कद बहुत ऊंचा हुआ है। और इसलिए देश के किसी भी राजनीतिक दल के लोग हों वो मोदी जी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ना चाहते हैं। और महाराष्ट्र के अभी जो घटनाक्रम है वो उसी का परिणाम है कि लगातार मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आ रहे हैं, उनके दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है तो जाएंगे, नहीं बुलाने पर तो भगवान के घर भी नहीं जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इसके पहले प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ में 2 कार्यक्रम हुए जिसमें हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी। चुनावी साल में केंद्रीय मंत्रियों के लगातार दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश बीजेपी के नेता केंद्रीय मंत्रियों से झूठ बुलवा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री प्रदेश में झूठ परोस कर जा रहे हैं और यूसीसी को लेकर कहा है कि इसका ड्राफ्ट पहले लोगों के सामने आना चाहिए, उस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। रमन सिंह को भी घेरा और कहा कि रमन सिंह के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है। शासी कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री सूचना आएगी तो प्रधानमंत्री सेवा स्वागत करने भी जाएंगे और कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लेकिन पिछले समय जब रेल का उद्घाटन हुआ, आपको याद होगा ये राव घाट वाले में सूचना भी नहीं दिए थे, अभी हरी झंडी दिखाए। वंदे भारत उसमें कौन सूचना दिए थे क्या? कोई निमंत्रण नहीं था तो निमंत्रण भाई ऐसा है, बुलाए तो शैतान के घर भी जाएंगे, ना बुलाए तो भगवान के घर ना जाए। गृहमंत्री जी आए, फिर नड्डा जी आए, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए, प्रधानमंत्री आने वाले, केजरीवाल वाले सब आएंगे, लेकिन सब लोग झूठ परोस के जा रहे हैं। जिस प्रकार से गृहमंत्री जी ने कहा कि धान हम खरीदते हैं, ये सबसे बड़ा सफेद झूठ है। दूसरा, कल राजनाथ सिंह जी आए, अब वो कह रहे नक्सलवाद बढ़ रहा है। अब बताइए भला छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद घटा है कि बढ़ा है? तो कितना झूठ बोलवाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? वैसे बहुत सज्जन व्यक्ति हैं राजनाथ सिंह जी, लेकिन उसे झूठ तो ना बुलवाएं। और अब चूंकि नक्सलवाद उनके विभाग का नहीं है
और कल धर्मांतरण के बारे में बोल रहे थे, वो भी उनका विभाग नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे भी झूठ बोलवा रहे हैं। देखिए, जब कॉमन सिविल कोड की बात आप करें तो सबसे पहले तो ड्राफ्ट सामने रखो। देखिए, मैंने उस समय जो बात कही थी, ये तो टारगेट करके कर रहे हैं एक धर्म विशेष के लोगों को, लेकिन उसका प्रभाव तो हिंदुओं में पड़ेगा, आदिवासियों में पड़ेगा, सब में पड़ेगा। लेकिन मैंने ये कहा, अब हमारे पार्टी की तरफ से कहा गया कि ड्राफ्ट तो लाओ आप, कॉमन सिविल कोड जो ला रहे हैं उसमें ड्राफ्ट क्या है। तो जब ड्राफ्ट आएगा तो कंडिकावार हम चर्चा करेंगे, तो ड्राफ्ट पहले जनता के बीच में लाए, तो लाए उसके बाद बात करेंगे, बचत बात बात। अरे रमन सिंह को मैं बताना है, उसके दिमाग में केमिकल लोचा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो हमारी पार्टी तय कर रही ना, काहे चिंता कर रहे हैं। समझ लेते तो रहता ही है, चेहरा कौन सा है वो पार्टी तय करेगी, मैं पहले से बोल रहा हूँ। उसे प्रधान कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां बीजेपी ने युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी की रैली को सफल बनाने के लिए राजधानी से लेकर ब्लॉक स्तर तक पार्टी की बैठकें हो रही हैं। पीएम मोदी की रैली में लाखों लोगों को लाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। छोड़ी नहीं आओ ना। अरे आओ तो बैठो, मैं खिला। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। युगल, एक बहुत बड़ा दिन होगा जब प्रधानमंत्री मोदी रायपुर पहुंचेंगे और इसकी तैयारियां बीजेपी ने अभी से ही शुरू कर दी हैं। जी सुमित, देखिए बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आगमन को लेकर के बीजेपी ने में अब बैठकों का दौर है वो लगातार जारी है। आज दो बैठकें राजधानी रायपुर में आयोजित की गई, इसके अलावा पूरे प्रदेश भर के तमाम जो जिले हैं वहां पर पे बीजेपी के जिला अध्यक्षों के साथ साथ पदाधिकारियों ने एक महती बैठक की है और सभी को निर्देश जारी किए हैं बीजेपी की ओर से कि कल जो ब्लॉक स्तर की बैठक है वो सभी संपन्न की जाएंगी, ताकि एक एक कार्यकर्ता, पार्टी के एक एक जो पदाधिकारी है उन तक ये मैसेज चला जाए। और बड़ी बात यही है कि साइंस कॉलेज ग्राउंड में जब ये सभा होगी तो हजारों की संख्या में लोगों को लाने की तैयारी बीजेपी की है और उन्हें एक एक जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उन्हें टास्क सौंपा गया है। जैसे पूर्व मंत्री बिजमोहन अग्रवाल से जब हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत सारे जो आम जनता है, लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहते हैं, तो ऐसे में एक बड़ी जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे और बड़ी जो जो जनसंख्या में लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे, तो उसकी तैयारियां हैं व्यापक रूप से की जा रही है। बीजेपी के अलग अलग नेताओं को, पदाधिकारियों को जवाबदारी अभी से सुनिश्चित कर दी गई है, सौंप दी गई है। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि 2023 में विधानसभा का भी चुनाव होना है और इसे 4.5 वर्ष पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आए थे, अब 4.5 साल बाद फिर से जब वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि भाजपा में ऊर्जा का संचार होगा और उसकी तैयारियां हैं बीजेपी अब बड़े पैमाने पर फिलहाल कर रही है। जी युगल, बहुत धन्यवाद आपका चर्चा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं रायपुर से बड़ी खबर। दुर्ग के मोतीपुर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने 2 लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया। मृतक के वर्जनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया। हादसे में घायल लोगों के बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। गरियाबंद से खबर है जहां सरार नाले में गिरा है ट्रैक्टर। नाले में ट्रैक्टर गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में बाल बाल बची है लोगों की जान। नाले में चल रहा था सफाई का काम, सफाई करते वक्त यह हादसा हुआ है। फिंगेश्वर नगर पंचायत का पूरा मामला, तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर बिल्कुल उल्टा हो चुका है, बुरी तरीके से ट्रैक्टर नाले में गिरा। सरार नाले में ट्रैक्टर गिरा है और हादसे में लोगों की जान बाल बाल बच गई। सफाई का काम चल रहा था नाले में, सफाई करने के दौरान करते समय ही यह हादसा हुआ है। फिंगेश्वर नगर पंचायत का ये पूरा मामला, क्रेन की मदद से फिर ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। गरियाबंद से खबर जहां सरार नाले में ट्रैक्टर गिर गया,
नाले में ट्रक गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में लोगों की जान बाल बाल बच गई। नाले में सफाई का काम चल रहा है, सफाई करते वक्त ही यह हादसा हुआ था। फिंगेश्वर नगर पंचायत का यह पूरा मामला। हादसे के बाद क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को नाले से बाहर निकाला गया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता शेख इमरान, जुड़े हुए हैं फोन पर। इमरान, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी सुमित, आज सुबह से ही फिंगेश्वर नगर पंचायत में एक स्थित सरार है, एक नाला है, वहाँ सफाई का काम चल रहा था और जेसीबी और ट्रैक्टर लगाकर ये सफाई का काम चल रहा था। उसी दरमियान अचानक बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्राली सहित सरार के में गिर गया और पूरे पानी में डूब गया। जैसे ही यह खबर आसपास लोगों को मिली तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई और काफी अफरा तफरी मच गया। हालांकि इस हादसे में अभी तक किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है, इन्हें कोई घायल नहीं होने की खबर है। हालांकि हादसे के बाद क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को निकाला गया है और नगर पंचायत फिंगेश्वर की ओर से तमाम काम करवाया जा रहा था और एकदम मुख्य मार्ग से मुख्य सड़क पर ये सरार है और इसमें पानी भरा हुआ है। ऊपर में बहुत सारे पेड़ उगे हुए थे, पौधे उगे थे, उसी को हटा रहे थे और जेसीबी के माध्यम से सफाई करवाया जा रहा था, लेकिन ट्रैक्टर अचानक नीचे ही गिर गई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हालांकि ट्रैक्टर को अभी निकाला जा चुका है और फिलहाल अभी किसी भी प्रकार की कोई घायल होने की खबर नहीं है। जी सुमित जी। इमरान, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। पार्टी ने बिलासपुर में रैली की जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए। दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्य में हुए विकास के कामों को गिनाया। भगवंत मान ने कहा कि चुनाव में अपने बच्चों के विकास के लिए वोट दीजिए। माननीय भगवंत मान जी का प्रतीक चिन्ह भेट ले। आप भले मेरा पूरा भाषण आज का भूल जाना, एक बात याद रख लेना, भगवंत मान बिलासपुर में आया था उसमें ये बात कही थी, जिस दिन वोटिंग होगी छत्तीसगढ़ में अंदर जाओगे एक छोटे से बक्से का जैसा मेरे सामने है, यहाँ पे मशीन पड़ी होगी, कोई नहीं देख रहा होगा उसको, आप अकेले के ना तो वो बटन किसी हाथ पंजे का है, ना वो बटन किसी कमल के फूल का है, ना वो बटन किसी हाथी का है, ना वो बटन किसी और सीढ़ी का, सीटी का, या कोई भी और चुनाव चिन्ह, जहां ना ही वो बटन झाड़ू का है, असल में वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है भाई साहब। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले प्रदेश में सियासत तेज है। सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सदन में कहा है कि सदन में सरकार को हर मोर्चे पर बेनकाब किया जाएगा। प्रदेश की सरकार पर हमला करते हुए चंदेल ने कहा कि कमीशन और करप्शन की सरकार चल रही है प्रदेश में। 18 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आहूत है। इस मानसून सत्र में छत्तीसगढ़ में श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस की सरकार, जो सिर्फ कमीशन और करप्शन की सरकार है, इसको हर मोर्चे पर हम बेनकाब करने का हर संभव प्रयास करेंगे, सदन के अंदर और सदन के बाहर। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भोपाल के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफी मजबूत है, सरकार के कामों से लोग खुश हैं। वहीं एमपी कांग्रेस के बारे में टीएस सिंहदेव ने कहा कि यहां भी अच्छा फीडबैक मिल रहा है, एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने की बहुत संभावनाएं हैं। यूसीसी को लेकर कहा कि बिना आम आदमी की सहमति के ये कानून नहीं बनना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है और रही है, परंपरागत मजबूत रही है और आज भी सरकार ने पिछले 4.5 सालों में जो काम किए हैं उनमें काफी संतोष लोगों में उन बातों को लेके है। कांग्रेस से पृथक जो फीडबैक हम लोग को आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम लोग मध्य प्रदेश से एक तरह से डीलिंक होके सुनते हैं, डायरेक्ट प्लेयर यहाँ नहीं है, पार्टिसिपेंट नहीं है, कांग्रेस के लिए अच्छा सुनने को आ रहा है। यहाँ कांग्रेस की सरकार बनने की बहुत अच्छी संभावना, बिना चर्चा के आम आदमी से बिना चर्चा किए और उनकी सहमति लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए और यूसीसी तो बहुत एक गंभीर परिस्थिति।
रायपुर पुलिस ने लूट समेत उठाईगिरी, ठगी और नशाखोरी के मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंडोर स्टेडियम के पास हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और लूटी गई रकम को बरामद किया। वहीं ज्वेलरी दुकान में उठाईगिरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से सोने के 4 चेन जब्त किए हैं। वहीं पुलिस ने 5 किलो गांजे के साथ गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया। सभी को पुलिस ने पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। 30 तारीख को कोतवाली एरिया में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें प्रार्थी ललित राउत जो कैटरिंग का काम करते हैं वो कोतवाली एरिया से भाटागांव बस स्टैंड जा रहे थे, तो जो इंडोर स्टेडियम है उसके पास 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार जो युवक थे, उन लोगों ने वहां पर उन्हें रोक कर उनके साथ मारपीट करके उनका मोबाइल फोन और पैसा लूट लिया था। इसमें धारा 394 का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और उनसे लूटा हुआ लगभग 18,000 रुपये और मोबाइल फोन जब्त करके। 29 तारीख को कोतवाली क्षेत्र में ही कंगना ज्वेलर्स में एक उठाईगिरी की घटना हुई थी, जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति उनके दुकान पर सोने की चैन लेने के लिए आया हुआ था और चैन देखने के दौरान ही लगभग 4 जो चैन है वहां से लेकर भाग गया था, जिस पर धारा 389 का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें कृष्ण मोहन पांडे जो है, जो कि बेसिकली जसपुर के रहने वाले हैं और अभी हाल में पुसौर रायगढ़ में रह रहे थे, उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसे जो है चोरी किया हुआ जो चारों चैन है वो बरामद करके उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में शिकायतें मिली थी जहां पर गांजा बेचने की, तो वहां पर कल क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया था और 4 थाना क्षेत्रों में हम लोगों ने कार्रवाई की है। इसमें लगभग 5.5 किलो गांजा मिला है और लगभग 100 नग टैबलेट जब्त किया गया है। एक कार्रवाई गोल बाजार क्षेत्र में हुई है, एक मंदिर रिसोर्ट में, एक टिकरा पारा में और एक पुरानी बस्ती क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। तो इन चारों मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके NDPS एक्ट के तहत उन्हें जेल भेजा गया। लगभग 5.5 किलो है चारों कार्रवाई में और 100 नग टैबलेट मिला है। अंबिकापुर के घोटापारा के वार्ड संख्या 23 के एक दर्जन से अधिक घरों में एक पोस्टर चस्पा किया गया है और पोस्टर में चेतावनी दी गई है, पोस्ट में धमकी दी गई है कि हमसे आप लोगों को कौन बचाएगा, मैं Z2A हूं। बता दें कि कोई अज्ञात कई दिनों से परेशान कर रहा है, जिसके बाद थाने पहुंचे लोग और पुलिस में शिकायत कराई। जगदलपुर से खबर है जहां कोटनार के पास डीजल टैंकर पलट गया और तेल लूटने की होड़ मच गई। जगदलपुर से दंतेवाड़ा जा रहा था टैंकर। दंतेवाड़ा में बीच सड़क पर चलते ट्रक में अचानक से आग लगने से सनसनी फैल गई। हालांकि ट्रक के ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि आग कैसे लगी ट्रक में यह पता नहीं चल पाया। छत्तीसगढ़ में लोग रील्स बनाने, वीडियो वायरल करने और मशहूर होने के लिए खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और ऐसा करने वालों को समझाइश भी दे रही है। इसी बीच अंबिकापुर में भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया, जिसमें महज 6 साल का एक बच्चा कार चलाता हुआ आपको नजर आ जाएगा। पकरिया गांव में पीएम मोदी को अपने बीच पाकर ग्रामीण काफी खुश नजर आए। संवाद के दौरान एक आदिवासी भाई ने कहा कि हम सपने में भी सोच नहीं पाते थे कि देश का कोई प्रधानमंत्री साक्षात हमसे संवाद करेगा। हमारे महापुरुष थे जैसे वीर सीताराम कंवर जी, हमारे बिरसा मुंडा जी, हमारी रानी दुर्गावती जी, इन्होंने आपने भगवान का दर्जा दिया है, उसके लिए हमने हमारे जनजातीय भाइयों की तरफ से तहे दिल से आपको अभिनंदन और वंदन। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप हमारे सामने आमने सामने हम बात कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि हमारे जनजाति भाइयों से ऐसे रूबरू बात करें। खासकर बोलने को तो बहुत कुछ है पर आप सामने खड़े हैं कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा है। रानी दुर्गावती जी का 500वां जन्म जयंती आ रहा है 5 अक्टूबर को, तो हमने तय किया है कि भारत सरकार पूरे हिंदुस्तान में उनकी 500वीं जयंती मनाएगा और साल भर मनाएगा। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज, बैठकों के माध्यम से नेताओं को दी जा रही जिम्मेदारी। रमन सिंह पर सीएम भूपेश बघेल का निशाना, कहा रमन सिंह के दिमाग में है केमिकल लोचा।
शिंदे सरकार में अजीत पवार के शामिल होने पर बोले अमरजीत भगत, हम अजीत पवार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर बोले ब्रजमोहन अग्रवाल, पीएम मोदी का कद हुआ है ऊंचा। रायपुर में आर्य समाज के प्रांति महासम्मेलन में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल, महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा सेंट्रल से नेता आकर झूठ परोसते हैं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, नमस्कार। पोस्टर वार शुरू हो गया, लगातार पोस्टर आ रहे हैं। सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री है, सरकार उनके हाथ में है, आप पता करना है। अभी उज्जैन होकर आए आप, छोटी सी हवा चली, कोई बड़ा आंधी भी नहीं थी, तूफान नहीं था। तो क्या कांग्रेस सत्ता में आएगी तो भ्रष्ट अफसरों को जेल भेजेंगे? मैं ऐसे भ्रष्ट लोगों को सबक सिखाऊंगा। सतपुड़ा की आपने बात की, शॉर्ट सर्किट से या बिजली की वजह से कोई आग लगी? नहीं जाने दिया, पहरा लगा दिया पुलिस में, जैसे हम लोग आतंकवादी हों। इस बार सिंधिया जी साथ में नहीं है? सिंधिया तो कांग्रेस के लिए घुन थे। कितनी सीटें कांग्रेस की आ सकती है विधानसभा चुनाव? बहुमत इतना आ जाएगा कि कांग्रेस में कोई दूसरा सिंधिया पैदा न हो सके। जनता तैयार बैठी है, लोहा गर्म है, हथौड़ा देना बाकी है।